हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की वीडियो में हम डिजाइन करने वाले हैं ये वाला पोस्टर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये रहा हमारा कैनवस, और हमने यहाँ से सिलेक्ट करना अपना रेक्टेंगल टूल। एंड हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, इसके कलर को चेंज करते हैं, तो हम ये रखते हैं और फिर हम इसे ऐसे टिल्ट करेंगे एंड ओके। अगेन हम फिर से सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल, और हम यहाँ पे फिर से एक लाइन ड्रॉ करेंगे, सॉरी एक शेप ड्रॉ करेंगे, और इसके कलर को हम करते हैं डार्क, और इसे हम यहाँ पे अटैच करेंगे एंड ओके। एंड देन हमने क्या करना है, हम फिर से शेप कॉपी करते हैं, साइज इंक्रीज करेंगे, इस लेयर को लेके आते हैं नीचे, फिर से एक न्यू लेयर लेंगे और यहाँ से हम सेलेक्ट करते हैं पेन टूल, और इसके कलर को हम करेंगे ब्राइट एंड ओके। और अब हम बैकग्राउंड लेयर सेलेक्ट करेंगे, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड सॉलिड कलर, और यहाँ से हम लेते हैं थोड़ा ब्राइट एंड ओके। और अब हम ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, इसे हम थोड़ा सा डार्क करेंगे क्योंकि बहुत ज्यादा ब्राइट है ये एंड ओके। अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम लेंगे ब्राइट कलर, साइज इंक्रीज करेंगे और हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं ऐसे एंड ओके। ओपेसिटी थोड़ा कम करते हैं एंड देन हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, इसे भी हम डार्क करेंगे एंड देन हम लेंगे एक न्यू लेयर, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं और हम इस वाले कलर को सिलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई। ओपेसिटी कम करेंगे एंड देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स, ब्रश टूल सिलेक्ट करते हैं एंड हम लेंगे ऐसे ब्राइट कलर और यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ओपेसिटी कम करेंगे, परफेक्ट। एंड देन फिर से हम इसकी कॉपी करते हैं और यहाँ पे लेके आएंगे राइट क्लिक करेंगे एंड क्रिएट अ क्लिपिंग मार्क्स एंड देन हम इस वाले लेयर को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन, और यहाँ से हम क्लिक करते हैं बेवलन एम्बर्स। तो यहाँ पे देखिए आपको शायद यहाँ पे व्हाइट कलर का लाइन दिख रहा होगा, हमें इसका जो एंगल है वो चेंज करना है, तो हमें ऊपर चाहिए तो हम नीचे की तरफ करते हैं। ये देखिए जो हमारा एंगल है वो नीचे आ गया, यहाँ चाहिए, साइज इंक्रीज करेंगे, ओपेसिटी कम करते हैं, कलर चेंज करके देखते हैं, परफेक्ट। ओपेसिटी हम रखते हैं 3 और जो हमारा एंगल है वो हमने रखा है 69 क्योंकि हमें यहाँ से भी व्हाइट कलर का चाहिए था लाइन, तो इसलिए हमने 69 रखा एंड ओके। अगेन हम इसे कॉपी करते हैं और नीचे वाले लेयर पे लेके आएंगे, ये देखिए यहाँ पे, और अब हमें इसके नीचे बनाना है शेडो, तो इसके लिए हम इसे सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करेंगे एंड ब्लेंडिंग ऑप्शन पे, और यहाँ से हम अप्लाई करते हैं ड्रॉप शेडो, तो इस एंगल को चेंज करेंगे, साइज कम करते हैं, सॉरी डिस्टेंस कम करेंगे एंड साइज इंक्रीज करेंगे इसका, एंड ओके। हमें नीचे भी शेडो अप्लाई करना है तो हम इसे कॉपी करते हैं, परफेक्ट। एंड देन हम सेलेक्ट करेंगे इस वाले लेयर पे भी हमें वाइट अप्लाई करना है, तो
इसे सेलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन एंड बेवल एंड एम्बर्स। ये देखिए जो हमारा लाइन सॉरी व्हाइट लाइन का इफेक्ट हमारे यहाँ पे आ गया। तो हम इस एंगल को चेंज करते हैं, हमें यहाँ चाहिए। ओके और अब हम सभी को कर देते हैं ग्रुप। यहाँ आएंगे और अपने प्रोडक्ट को करते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। इसे हम करेंगे थोड़ा सा ट्रांसफॉर्म एंड ओके। और अब हम सिलेक्ट करते हैं पेन टूल और यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे पाथ एंड देन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। ऐसे हमने बुलाना है सिलेक्शन, राइट क्लिक एंड मेक सिलेक्शन एंड ओके। इसे सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर, यहाँ से हम करेंगे क्लिपिंग मार्क्स और जो हमारा एक्सपोजर उसे हम कम करते हैं। लेयर पे आएंगे एंड डबल क्लिक ऑन द लेयर मार्क्स और जो हमारा फीचर है उसे हम इंक्रीज करेंगे एंड ओके। तो ये देखिए यहाँ पे डार्क हो गया एंड ओके। वैसे ही हमने फिर से सिलेक्शन बनाना है इस साइड, क्योंकि हमें वहां पे ग्लोइंग इफेक्ट डालना है। तो इसके लिए हम ऐसे सिलेक्शन बनाते हैं, राइट क्लिक एंड मेक अ सिलेक्शन, एडजस्टमेंट आइकन पे जाएंगे एंड एक्सपोजर इंक्रीज करते हैं एंड डबल क्लिक ओके। इसकी साइज को हम थोड़ा कम करते हैं एंड देन हम यहाँ पे लेके आएंगे और अब हम इसे कॉपी करते हैं और अब हम करेंगे कंट्रोल टी, राइट क्लिक करेंगे एंड फ्लिप वर्टिकल, फिल्टर पे जाएंगे ब्लर एंड मोशन ब्लर, डिस्टेंस इंक्रीज करते हैं एंड ओके। और अब हम ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड यहाँ से हम ऐड करेंगे लेयर मार्क्स, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और हमने यहाँ पे ऐसे अप्लाई करेंगे, परफेक्ट। इसकी ओपेसिटी कम करते हैं, एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं एंड ब्लैक कलर। और अब हम यहाँ से ऐड करेंगे एक न्यू लेयर, एडिट पे जाएंगे फिल एंड 50% ग्रे ओके, ब्लेंडिंग मोड पे जाएंगे और यहाँ से हम करते हैं ओवरले एंड देन हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे बर्न टूल और जो हमारा शेडो वाला पार्ट है उसे हम डार्क करते हैं। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करेंगे डोज टूल, और अब हमें इस पे डालना ग्लोइंग इफेक्ट। तो अब हम इसकी करते हैं कॉपी, ऊपर लेके आएंगे, ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका स्क्रीन, फिल्टर पे जाएंगे एंड यहाँ से हम अप्लाई करेंगे गॉसियन ब्लर और इसको हम रखते हैं 4 एंड ओके। ऑल्ट होल्ड करेंगे एंड लेयर मार्क्स, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे अप्लाई करेंगे एंड ओके। और इनको कर देते हैं हम ग्रुप। तो अब मुझे जो इसका कलर है वो कुछ सही नहीं लग रहा, तो उससे हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो इसके लिए हम इस ग्रुप को सिलेक्ट करते हैं, एडजस्टमेंट आइकन पे आएंगे एंड कर्व और थोड़ा चेंज करके देखते हैं। तो मैंने इसे थोड़ा डार्क करते हैं, हाईलाइट एंड ओके। एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से हम सेलेक्ट करेंगे ये वाले ब्रश, साइज कम करते हैं एंड अप्लाई, राइट क्लिक करेंगे एंड कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट, देन गो टू फिल्टर एंड गॉसियन ब्लर
एंड ओके साइज इंक्रीज करेंगे, फिशेस की कॉपी करते हैं। एंड ओके बैकग्राउंड कलर थोड़ा डार्क करेंगे। एंड ओके और अब हम लेंगे एक न्यू लेयर और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रेक्टेंगल टूल एंड हम यहाँ पे ऐसे चलाएंगे, इसके एंगल को चेंज करते हैं। राइट क्लिक करेंगे एंड गो टू ब्लेंडिंग ऑप्शन और यहाँ से हम अप्लाई करते हैं ग्रेडियंट ओवरले। हमने ये कलर सिलेक्ट कर रखा है और इसका भी एंड ओके, ये वाला हमारा कलर सेम है एंड देन ओके। और जो हमारा स्टाइल है वो हमने रखा है लीनियर और जो एंगल है हमने वो चेंज करना है। स्केल हम रखेंगे 12 एंड ओके। और हमने यहाँ पे अप्लाई करना है शेडो, तो हम लेंगे एक न्यू लेयर और इसका बनाते हैं सिलेक्शन। ब्रश टूल सिलेक्ट करेंगे और ब्लैक कलर एंड देन हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं शेडो। कंट्रोल डी, लेयर मार्क्स ऐड करेंगे ब्रश टूल एंड हम यहाँ से परफेक्ट इसे एक न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल अप्लाई करते हैं। और फिर से हम इसे एक सिलेक्शन बनाते हैं, न्यू लेयर लेंगे, ब्रश टूल सेलेक्ट करते हैं एंड ब्राइट कलर कंट्रोल डी और ब्लेंडिंग मोड हम करेंगे इसका सॉफ्ट, ओपेसिटी कम करते हैं एंड ओके। इनको कर देते हैं हम ग्रुप और इस कलर को हम करेंगे थोड़ा डार्क। एंड ओके फिर से इसकी कॉपी करते हैं और इसको हम करेंगे ब्राइट कंट्रोल आई एंड ब्रश टूल सेलेक्ट करेंगे एंड अप्लाई। इसके कलर को थोड़ा हम बैलेंस करेंगे एंड देन इन सभी लेयर को हम करेंगे मर्ज, तो उसके लिए करेंगे कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, राइट क्लिक कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट देन गो टू फिल्टर एंड कैमरा रो फिल्टर और यहाँ से हम कुछ प्रॉपर्टीज चेंज करेंगे इसकी। ओके आई होप आप सभी को मेरा आज की ये डिजाइन अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना मत भूलना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।